सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ट्रेंडिंग चैनल को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम सचिन परमार एंड आप देख रहे हो टेक्निकल ट्रेंडिंग। चलिए गाइस शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका सेकंड टेक न्यूज में। जी हाँ, आज मैं लेके आ गया हूँ सेकंड टेक न्यूज। तो हमारे पास आ रही हैं आज चार टेक न्यूज जो आपको मैं बताऊंगा। तो पहली टेक न्यूज है मेरे पास व्हाट्सएप की तरफ से। जैसे कि आपको पता है कि फेसबुक एक न्यू प्राइवेसी पॉलिसी लेके आया था फुल टशन के साथ कि अब जनता पे अपना राज कर लेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी लेके आया था ये, उन्होंने ग्लोबली किया, मतलब पूरे वर्ल्ड में ही किया। उस वजह से जो है कि जो व्हाट्सएप यूज़र थे वो अलग अलग ऐप्स पे, मतलब व्हाट्सएप की जैसी ही ऐप्स पे ट्रांसफ़र होने लग पड़े। इससे व्हाट्सएप की डाउनलोड्स में जो थोड़ी गिरावट आ गई और उस कारण उन्हें मजबूरन 3 महीने एक्सटेंड करना पड़ा। ये जो इन्होंने प्राइवेसी लॉ किया था, इन्हें 3 महीने एक्सटेंड करना पड़ा। और हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने भी उनसे सवाल जवाब किए कि आप ये कौन सी प्राइवेसी पॉलिसी ला रहे हैं और क्यों आप ऐप्स को बंद करना चाहते हो, आप क्यों पेमेंट ऑप्शन में घुसना चाहते हो। और एक सर्वे हुआ, उसमें 15% यूज़र ने कहा कि हम इसे यूज़ करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी के बाद भी, और 18% लोगों ने कहा कि हम इसे कम्प्लीटली अनइंस्टॉल कर देंगे, और 36% लोगों ने कहा कि हम धीरे धीरे इसे यूज़ करना बंद करेंगे, और 91% यूज़र ने कहा कि हम इसे यूज़ ही नहीं करेंगे, कर लो क्या करना है। और आपको एक और न्यूज़ बता दूं व्हाट्सएप के बारे में कि 400 मिलियन यूज़र हैं इंडिया में व्हाट्सएप के। तो ये हमसे पंगा लेगा तो हम इन्हें बता दें। तो मूव करते हैं हम सेकंड टेक न्यूज़ की तरफ। तो सेकंड टेक न्यूज़ आ रही है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी तो फ़ोन का नाम हो गया। सैमसंग की तरफ से One UI 3 एंड्रॉयड 11 आ रहा है जल्दी ही मिड रेंज फ़ोनों में। तो आप बताएं मेरे को कि आप कौन सा मिड रेंज फ़ोन यूज़ करते हो, और सबसे पहला अपडेट आएगा सैमसंग गैलेक्सी M31 में। तो आप सभी मेरे को बताएं कि आप सैमसंग का कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और तीसरी न्यूज़ आ रही है एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ की, LG अपने स्मार्टफोन बनाना बंद कर रहा है अब, क्योंकि उनके स्मार्टफोन बिक नहीं रहे हैं। और वो क्यों नहीं बिक रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। यार, LG की अपनी गलती से नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि ये स्मार्टफोन बनाता है, एक महीने निकालता है और एक महीने इनके फ़ोन गायब हो जाते हैं। तो ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। और मूव करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हमारे पास पोको वालों की तरफ से, पोको C3 है 8,500 के अंदर फ़ोन, और बहुत ही बेस्ट फोन है परफॉर्मेंस वाइज भी और सब कुछ, स्क्रीन वाइज भी, डिस्प्ले वाइज भी। वो उन्होंने 10 लाख होल्ड कर दिया है, एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है।